नए साल के मौके पर हर कोई जश्न मनाता है, झूमता है, गाता है, लेकिन आधुनिक युग का आनंद मनाने का तरीका शराब सेवन से भी जोड़ा गया है, जिसके चलते नए साल के जश्न में सांख्यिकी तौर पर सर्वाधिक शराब बिक्री प्रतीत हो रही है। दर्शकों, वह समय काफी अलग था जब उत्सव मनाने की परिभाषा खान पान और गीत संगीत से जोड़ी जाती थी। घर की महिलाएं मीठे तीखे पकवानों के साथ नए साल का स्वागत करती थी, लेकिन काल चक्र जैसे जैसे घूमता गया, एंजॉयमेंट की परिभाषा नशे से जोड़ी गई और वर्तमान में तो सुख हो या दुख, शराब का सेवन काफी मात्रा में किया जाता है। कई शायरों ने शराब की उपमा गम के साथी के रूप में की है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। आज शराब एंजॉयमेंट का साधन बन गई है, जिसके चलते नए साल का स्वागत और गत वर्ष की विदाई लोग शराब के नशे के साथ कर रहे हैं, जो कारण है साल भर में सर्वाधिक शराब बिक्री का। लेकिन इसे सवाल मौजूद होता है कि पुलिस द्वारा कड़े इंतजाम के बावजूद शराब बिक्री की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है? आपत्ति शराब बिक्री से नहीं तो उस स्तर से है जो आज देश के भविष्य को बिगाड़ रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।